भैया बंदर आ गया, हमारे घर की बंदरिया आ गई आज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो सुबह के 10 बज गए हैं, 5 ही मिनट बाकी हैं। तो मैं अभी घर पे हूँ, बिना रेडी हुए अभी थोड़ी देर पहले ही सो उठा हूँ, क्योंकि आज बारिश हो रही थी ना, तो मतलब नींद इतनी अच्छी आ रही थी तो उठने का मन ही नहीं कर रहा। सब कुछ कहते उठ जाओ, उठ नहीं पाया क्योंकि नींद बहुत अच्छी आ रही थी, वास्तव बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैं घर में क्यों इतनी समय, यही रीज़न है, और भी रीज़न है, वो मैं अभी वीडियो के आगे बताऊँगा क्या रीज़न है मैं घर में क्यों। और आज घर ही में ही रहूँगा, क्लिनिक नहीं जाऊँगा, और इसका रीज़न कुछ है तो मैं वो बाद में बताऊँगा। पहले दिखाता हूँ बारिश कितनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। देखो और उसको देखो कहाँ पॉटी कर रहा है वो। कुछ नहीं, इतनी तगड़ी बारिश हुई थी काम्मी, बहुत तगड़ी बारिश हुई थी। ये यहाँ पानी भर गया, देखो घर में किस तरह पानी आया हुआ, बौछार का पानी। अभी सफाई की मम्मी, ये देखो इधर भी, मतलब ये पानी आया यहाँ से, इस वाले कमरे से, ये देखो क्योंकि पानी ऐसे भरा रहा था ना इधर का बौछार। ये देखो अभी बौछारों का पानी कहीं गिर रहा है, इसलिए पानी बौछारों का पानी आ गया पूरे घर में। वही मैडम को देखो प्याज काट रहे, क्या जा रहे हो, इनकी नींद पूरी नहीं हुआ, इतनी अच्छी नींद आ रही, सब कोई जबरदस्ती जग गया है। तो आऊँगा तो तुमको ही तो कह रहा हूँ कि इनको भी नींद आ रही है, जितनी अच्छी नींद आ रही है, सबको जबरदस्ती जग गया है। तो मेरा पैर मंगरा पैर है, क्या तो दर्द भी आ रहा है, करीब 6 बजे तक, और इतना इनको ले दना दर्द है, दूध का दर्द हम पाइप किया, इधर रात में बैठा ये क्यों उठाया, मैं थोड़ी बना लेते, आज मैं सो रहा था, वीडियो तुमने सही बनाई थी। ये आ गया, हाँ ये आ गया, अब इसको पोछना है यार, पोछना है, उछवा के बढ़िया इधर बैठ गया है। चार देखो किस तरह से बारिश हल्की हल्की फिर से चालू हो गई है, आज से क्लिनिक में सुशील ले आया, आज सुशील ले आए थे क्लिनिक में, तो ही रहा था क्लिनिक में क्यों नहीं है, उसके लिए आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्यों नहीं लिया। अभी फिलहाल मैं हो जाता हूँ फटाक से रेडी, मुंह धुल लेता हूँ, नाश्ता वास्ता करता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं गया। तो मम्मी भी आ जाएंगी, शायद सुशील भी आ जाए, बारिश हो रही तो भीड़ ज़्यादा होगी नहीं, सुशील भी आ जाए। तो सुशील नाश्ता कर गया है अभी नहीं अभी आए करने ना, इधर लोग हो जाते हैं, हम भी रेडी ब्रश करते हैं। तो गाइस हम हो गए हैं मंजर के रेडी नाश्ता करने के लिए, और ये आया क्लिनिक से, जैसे हम आते थे क्लिनिक से नाश्ता करने, आज ये आया तेजवान एकदम फुल तैयार होके गया आज क्लिनिक, ऐसे लग रहा है रोज जाएगा। नहीं जोपा आज नाश्ते में पराठा चाय एंड सब्जी जो कि इसका फेवरेट है, क्यों बट नॉट माई फेवरेट, खाऊंगा मन कर रहा, सब्जी मेरे फेवरेट अच्छी लगी, सब्जी सूखी सूखी बनी है ना, इसलिए मैं शायद खा लेगा पराठा। हाँ तुम कुछ कहने वाले बताओ, अच्छा रखे था देर से आया, बारिश आज इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, इन्होंने वीडियो तो बनाई है लेकिन
कभी मोबाइल ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी एक एक लेंथ में भाई नहीं, ऐसे ज्यादातर ऐसे ही तिरछा ऐसे से हो रहा है, ऐसे से स्नैपचैट वाले ना। तो ठीक है बना लेंगे वीडियो, थोड़ा सा टिका है उससे, उसे नींद इतनी ज्यादा है जो उठ ही नहीं पा रहा था। स्नैपचैट चलाएंगे चलो, ये भी खाना पर खा नहीं खा सो गया है, अभी हमारे घर में एक और सो रहा है, सबसे तेज तक होने वाला बंदा गुड्डू वो भी सो रहा है। या देखो ये का हो रहा है भाई, ये मक्खी हटाओ, मक्खी भगाओ, मिशन चल रहा है। नहीं रह गए चार पांच ठो, मक्खी भगाओ मचान। अब बारिश है तो चिपचिपा हो गया तो मक्खी तो आएंगी, अब बारिश हो नहीं रही है। अभी आ गई मम्मी अंदर से घर, तो हम लोग करेंगे नाश्ता, मैं इन्हीं का वेट कर रहा था। हाँ इका है दो चार ठो अरे यार बारिश है तो चप्पल तो अभी मैं जा रहा हूँ परचून की दुकान कुछ सामान लेने के लिए, और देख रहे हो कितना पानी बरसा हुआ है, मतलब रोड के किनारे एकदम पानी भर गया चारों तरफ, इधर भी है उधर भी, ये देखो किस तरह पानी भरा हुआ है। थोड़ी सी रोड में जगह है कि आप निकल सकते हैं आराम से, बाकी बगल में कोई गाड़ी आता है तो छीट मार के चली जाए, पिच 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 हो जाता, एकदम पिच पिच आने लगता है। बारिश की एक ही चीज नहीं अच्छी लगती, हर जगह पच 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 होता है। अभी बाहर सामान लेने, सामान तो मिला नहीं, मालिक आ जाओगे हमारे घर की बंदरिया आ गई, बंदरिया काफी दिनों बाद। अरे भैया बंदर आ गया, हमारे घर की बंदरिया आ गई आज। थोरू थोरू बंदरिया से मिल लो, बंदरिया से ये चबा ले, तेरे निकल जाने चबाहे लहू है। बंदरिया चौपाट लगा दिया है आके, गांव की बातें बताना चालू कर दिया, थौर देख रहा है तो थौरू बन गया मामा घर सब। तो गाइस सभी रात के 10 बज रहे हैं और थौर के लगने जा रहा है सेकंड डोज, अभी पिछले ब्लॉग में देखा ना उसके लगा था इंजेक्शन जो काटा गया था तब, उसके डॉक्टर आ रहे हैं और उसका सेकंड डोज लगेगा, उसके लिए ये है इसकी लीज, उसको बांधा जाएगा। पिछले ब्लॉग में देखा था किस तरह उनको देख के भों भों कर रहा था, तो आज भी करेगा, उसको बांधना बहुत जरूरी है। उनका फोन आ चुका है, बस आने ही वाले हैं, तो इसको लेके जाते हैं बाहर और लगवाते हैं इसके सेकंड डोज। जब किस तरह बैठा हुआ है आराम से एकदम शांति के साथ बैठा हुआ, बिल्कुल उसको पता नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है। ये देखो अबे मैं थौर को लेके बाहर आ गया हूँ, इसको बांध दिया हूँ, देखो किस तरह इसको पता नहीं चल रहा इसके साथ क्या होने वाला है, इसको भी दो दिन पहले ही पता चला था। ये तो डॉक्टर आ गए हैं, इसके मुंह में मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया है, और ये देखो इसके लगने लगा इंजेक्शन। ना 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 ना
फिर इंजेक्शन लगने के बाद मैंने इसको नहला दिया रात के 10:30 बजे। इसको उतना ठंडा ठंडा, मतलब इसको बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।